महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में भारी मतों से पास हो गया। पर्चे से हुई वोटिंग के दौरान बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हूं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना ये अधूरा है। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। तो वहीं चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह आरक्षण सामान्य एससी और एसटी में समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चर्चा के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने भी अपनी बात रखी। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह बिल लाने के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन व्यक्त किया। जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें, 10 साल औरतें मेहनत करें लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। महिला आरक्षण बिल पर आज यानी 21 सितंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी ये बिल देश में कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।